अक्सर देखा जाता है कि जुर्माने की वजह से ही ड्राइवर सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब जरा संभल जाइए, क्योंकि अब रियर सीट बेल्ट न पहनने पर भी जुर्माना देना होगा। जहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को तेज करते हुए एक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर शख्स पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विशेष अभियान के पहले दिन पुलिस ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास 12 खंबा रोड पर चेकिंग की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभियान के दौरान कुल 17 चालान काटे गए। पुलिस ने कहा कि अपराधियों में से प्रत्येक पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये अभियान टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीछे बैठे मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी, यदि वो ऐसा करते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। बता दें कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से सीट बेल्ट पहनने और तेज गति में गाड़ी न चलाने की अपील की थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल अपराधियों को सीट बेल्ट नहीं लगाने, अनुचित पार्किंग सिग्नल तोड़ने और तेज गति से वाहन चलाने के लिए 1.2 करोड़ से अधिक नोटिस जारी किए थे। हालांकि उम्मीद है कि अगर सभी पीछे बैठकर भी सीट बेल्ट लगाएंगे तो हादसों में कमी जरूर आएगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।